हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्ष एंड आप सभी लोगों का स्वागत है यार हमारी एक और नई और शानदार वीडियो में। तो गाइस, अगर आप लोग के पास भी एक पावरफुल पीसी नहीं है एंड आप लोग जो है अच्छे अच्छे गेम्स को मिस कर रहे हो ना, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 गेम्स फॉर लो स्पेक पीसी। सारे गेम्स यार बहुत ही कमाल के हैं, उनको प्ले करने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। तो वो कौन से 10 गेम्स हैं उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 10th नंबर पे गेम आता है वो है स्टेट ऑफ डिके। ये एक जॉम्बी सर्वाइवल गेम है जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स को मैनेज करते हैं जो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जॉम्बी आउटब्रेक के बीच सर्वाइव कर रहे हैं। आपको मिलेंगे डेंजरस ज़ॉम्बीज, रिसोर्स स्कार्सिटी और बेस बिल्डिंग का एक इमर्सिव एक्सपीरियंस। गेम का वर्ल्ड काफी एक्सपेंसिव है जिसमें आपको मिलेंगे अबैंडन्ड सिटीज, वाइल्डरनेस एरियाज और ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड लोकेशंस। आपको अपने कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गेम में आपको एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स को मैनेज करना होगा और आपके डिसीजन, अलायंसेस और बेस बिल्डिंग डिटरमाइन करते हैं कि आपकी कम्युनिटी सर्वाइव करेगी या नहीं। रिसोर्स स्कार्सिटी गेम का मेजर एस्पेक्ट है। आपको फूड, मेडिसिन, वेपन्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कलेक्ट करना पड़ेगा और हर एक रिसोर्स का केयरफुल मैनेजमेंट और स्कैवेंजिंग क्रूशियल है। गेम का कॉम्बैट काफी इंटेंस है जिसमें आपको मिलेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ज़ॉम्बीज। आपके पास होंगे वेपन्स, ट्रैप्स और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल्स जिन्हें यूज करके आप अपने कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे। गेम में आप अपने कम्युनिटी के लिए बेस बिल्ड करेंगे जिसमें आपको मिलेंगी फैसिलिटीज जैसे कि इन्फर्मरी, वर्कशॉप और स्लीपिंग क्वार्टर्स। ओवरऑल स्टेट ऑफ डिके एक बहुत ही कमाल का ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है एलाइस मैडनेस रिटर्न्स। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें आप एलाइस के रूप में प्ले करेंगे जो एक डार्क वंडरलैंड में अपने मेमोरीज और रियलिटी को अनरिवेल कर रही है। आपको मिलेंगे ईरी लैंडस्केप, चैलेंजिंग पजल्स और हॉन्टिंग एनिमीज। गेम का वर्ल्ड काफी ट्विस्टेड है जिसमें आपको मिलेंगे सररियल एनवायरनमेंट्स, डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स और हॉन्टिंग इमेजरी। वंडरलैंड का डिजाइन और एटमॉस्फेयर काफी यूनिक और अनसेटलिंग है। एलाइस की साइकोलॉजिकल जर्नी गेम का एक मेजर एस्पेक्ट है। आपको मिलेंगे सररियल विजन, सिंबॉलिक लैंडस्केप्स और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो गेम को एक इंट्रीगुइंग बनाते हैं। गेम में आपको मिलेंगे चैलेंजिंग पजल्स जो आपको वंडरलैंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद करेंगे। आपको एक्सप्लोर करते हुए हिडन एरियाज और कलेक्टिबल्स भी मिलेंगे। आपको मिलेंगे वेरियस वेपन्स और कॉम्बैट एबिलिटीज जो आप यूज करके डिस्टर्बिंग एनिमीज के साथ कॉन्फ्रंट करेंगे। कॉम्बैट काफी फ्लूड है और आपको अपनी रिफ्लेक्सेस का टेस्ट करना पड़ेगा। गेम के विजुअल्स काफी आर्टिस्टिक और डार्क है। कैरेक्टर डिजाइन, लैंडस्केप्स और ओवरऑल आर्ट स्टाइल गेम को विजुअली कैप्टिवेटिंग बनाते हैं। ओवरऑल एलाइस मैडनेस रिटर्न्स एक ऐसा गेम है जो डार्क फैंटेसी और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के शौकीन तीनों के लिए परफेक्ट है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कॉन्क्वेस्ट। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें आप मिडिल अर्थ के आइकॉनिक लोकेशंस में बैटल करेंगे। आपको मिलेंगे एपिक बैटल्स, यूनिक क्लासेस और आइकॉनिक कैरेक्टर्स। गेम का मेजर फोकस है एपिक बैटल्स पर जिसमें आपको मिलेंगे आइकॉनिक लोकेशन जैसे हेल्म्स डीप, माइनस ट्रिथ और माउंट डूम। आप अपने फेवरेट फैक्शंस के साथ पार्टिसिपेट करके एपिक मोमेंट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। गेम में आपको मिलेंगे डाइवर्स क्लासेस जैसे कि वॉरियर्स, आर्चर्स, मेजेस एंड स्काउट्स। हर एक का अपना यूनिक एबिलिटीज और प्ले स्टाइल होता है। आप अपने टीम को कस्टमाइज करके स्ट्रेटेजिक बैटल्स का भी मजा ले सकते हैं। गेम के विजुअल्स काफी डिटेल्ड हैं और मिडिल अर्थ लॉर के अकॉर्डिंग में है। आपको मिलेंगे डाइवर्स लैंडस्केप्स, आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स और डिटेल्ड कैरेक्टर डिजाइंस। ओवरऑल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कॉन्क्वेस्ट एक ऐसा गेम है जो मिडिल अर्थ के यूनिवर्स के फैंस के लिए मस्ट प्ले गेम है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है द ब्यूरो एक्सकॉम डी क्लासिफाइड। ये एक टैक्टिकल थर्ड पर्सन शूटर गेम है जिसमें आप एक FBI एजेंट के रूप में प्ले करेंगे जो एक एलियन इन्वेशन के साथ डील कर रहा है। आपको मिलेंगे टैक्टिकल कॉम्बैट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और साइफाई एलिमेंट्स। गेम का मेजर प्लॉट फोकस करता है एक एलियन कॉन्स्पिरेसी पर जिसमें आपको मिलेंगे मिस्टीरियस इवेंट्स और इनकाउंटर्स और आपके डिसीजन और इन्वेस्टिगेशन आपको एलियन थ्रेट के सीक्रेट्स तक पहुंचाएंगे। गेम में आपको मिलेंगे टैक्टिकल कॉम्बैट सिनेरियो जिसमें आपको अपने स्क्वाड के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप अपने टीम के मेंबर्स का क्लास और लोडआउट कस्टमाइज करके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। गेम का सेटिंग है 1960s अमेरिका का जिसमें आपको मिलेंगे रेट्रो साइफाई एलिमेंट्स और कोल्ड वॉर एरा टेक्नोलॉजी। विजुअल्स और एनवायरनमेंट्स का डिजाइन भी काफी यूनिक और इमर्सिव है। आप एक स्क्वाड के लीडर होंगे और आपको अपनी टीम के मेंबर्स को गाइड करना पड़ेगा। हर एक मेंबर का अपना यूनिक एबिलिटीज और रोल होता है। गेम का नरेटिव भी काफी इंगेजिंग है। आपके डिसीजंस और इंटरेक्शंस आपके कैरेक्टर और स्टोरी को शेप करते हैं। मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसीज गेम को और ज्यादा इंट्रीगुइंग बनाते हैं। ओवरऑल द ब्यूरो एक्सकॉम डी क्लासिफाइड एक ऐसा गेम है जो टैक्टिकल शूटर्स और साईफाई थ्रिलर के शौकीनों के लिए परफेक्ट है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 6th नंबर पे गेम आता है वो है
एस कॉम्बैट असॉल्ट होरिजोन ये एक आर्केड स्टाइल फ्लाइट सिमुलेशन गेम है जिसमें आप एक एस पायलट के रूप में एरियल बैटल्स लड़ेंगे। आपको मिलेंगे मॉडर्न फाइटर जेट्स, डाइवर्स मिशंस और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। गेम का मेजर फोकस है हाई स्पीड डॉग फाइट्स पर जिसमें आप अपने फाइटर जेट को कंट्रोल करेंगे। आपको मिलेंगे इंटेंस एरियल मैन्यूवर्स, टारगेट लॉक ऑन और मिसाइल्स का स्ट्रेटेजिक यूज। गेम में आपको मिलेंगे डाइवर्स एनवायरनमेंट्स जैसे कि सिटीज, डेजर्ट्स और आर्कटिक लैंडस्केप्स जिनमें आप अपने मिशंस को कंप्लीट करेंगे। विजुअल्स और डिटेलिंग भी काफी रियलिस्टिक और इमर्सिव है। गेम में आपको मिलेंगे वेरियस फाइटर जेट्स जिन्हें आप कस्टमाइज और अपग्रेड कर सकते हैं। हर एक जेट का अपना यूनिक फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और वेपन लोडआउट्स होता है। आपको गेम में देखने को मिलेंगे सिनेमैटिक कटसीन्स और इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग जिसमें आप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपनी स्किल और लीडरशिप दिखाएंगे। हर मिशन का अपना एक यूनिक ट्विस्ट और टर्न होता है। ओवरऑल एस कॉम्बैट असॉल्ट होरिजोन एक ऐसा गेम है जो कि एविएशन एंथुसियास्ट के लिए मस्ट ट्राई गेम है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पे गेम आता है वो है सिंडिकेट। ये एक फ्यूचरिस्टिक FPS गेम है। इस गेम में आप एक कॉर्पोरेट एजेंट बनेंगे जिसका मिशन है कंट्रोल करना पावरफुल चिप टेक्नोलॉजी को और अनकवर करना कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसीज को। ये गेम आपको दिखाता है नियर फ्यूचर वर्ल्ड को जिसमें मेगा कॉर्पोरेशंस अपने हाईटेक डोमिनियन में राज करते हैं। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस एडवांस और डिस्टोपियन दुनिया को। गेम में आपके पास होंगे कुछ खास चिप्स जो कि आपको इनहेंस करते हैं। इन चिप्स की मदद से आप सुपर ह्यूमन पावर्स का अनुभव करेंगे जैसे कि स्लो मोशन गन फाइट्स और हैकिंग एबिलिटीज। गेम में आपको कॉर्पोरेट वॉरफेयर का मजा मिलेगा। आप अपने एनिमीज के माइंड्स में इनफिल्ट्रेट करके उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और हाईटेक वेपन्स का इस्तेमाल करके अपने राइवल के साथ टैक्टिकल बैटल्स लड़ सकते हैं। गेम का विजुअल डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और स्टनिंग है जो कि आप लोगों को गेम में खींच कर रखेगा। ओवरऑल सिंडिकेट एक फास्ट पेस फ्यूचरिस्टिक FPS गेम है जो कि आपको लेकर जाएगा एक एड्रेनलिन पंपिंग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में। तो अगर आप लोग को पसंद है हाईटेक वॉरफेयर और साइफाई सेटिंग्स तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नंबर पे गेम आता है वो है नीड फॉर स्पीड द रन। ये एक रेसिंग गेम है। इस गेम में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एपिक क्रॉस कंट्री रेस जिसमें आपको सर्वाइव करना होगा राइवल रेसर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और एक थ्रिलिंग स्टोरी लाइन के बीच। इस गेम में आप एक इलीगल क्रॉस कंट्री रेस में पार्टिसिपेट करेंगे जहां आपको ट्रैफिक, डाइवर्स एनवायरनमेंट्स और चैलेंजिंग टेरेन्स का सामना करना पड़ेगा। ये गेम आपको लेके जाता है आइकॉनिक लोकेशन से भरपूर जैसे कि सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक। हर लोकेशन का डिजाइन एकदम रियलिस्टिक और इमर्सिव है जो रेस को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। गेम का एक खास फीचर है उसकी स्टोरी लाइन। आप एक स्ट्रगलिंग रेसर है जिसको अपनी लाइफ के स्टेक्स के लिए बड़ी रेस जीतनी होगी। राइवल रेसर्स, डेंजरस एनवायरनमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सब कुछ है इस ग्रिपिंग स्टोरी लाइन में। जैसा कि नीड फॉर स्पीड में पुलिस चेसेस भी शामिल होती हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को द रन में भी जो है पुलिस चेसेस देखने को मिलेंगी। आपको अपने राइवल्स के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट से भी बचना होगा जिससे रेस और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। ओवरऑल नीड फॉर स्पीड द रन एक मस्ट प्ले गेम है रेसिंग एंथुसियास्ट के लिए। इस गेम में आपको स्पीड, थ्रिल और स्टोरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर पे गेम आता है वो है Fallout 3। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है। इस गेम में आप एक वॉल्ट ड्वेलर बनेंगे जिसका मिशन है सरवाइव करना एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया में। इस गेम की दुनिया है एक न्यूक्लियर एपोक्लिप्स के बाद जिसमें रेडिएशंस और म्यूटेंट्स ने दुनिया को तबाह कर दिया है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा वाशिंगटन DC के रूइंड लैंडस्केप्स को जिसमें डेंजर हर कोने में छाया हुआ है। इस गेम में आपको कई तरह के म्यूटेंट क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिनसे बचकर आपको उन्हें फेस कर अपनी जर्नी को तय करना है और आपको अपने सर्वाइवल के लिए वेपन्स और गियर्स भी क्राफ्ट करने पड़ेंगे। Fallout 3 की स्टोरी लाइन है ग्रिपिंग टेल ऑफ सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के लिए। आपको मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग क्वेस्ट ईच विद इट्स ओन चैलेंजेस एंड मोरल डिलेमास। गेम की ग्राफिक्स की बात करें यार तो वो भी काफी कमाल के हैं। आप लोग को गेम प्ले करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओवरऑल Fallout 3 एक यूनिक और इमर्सिव RPG एक्सपीरियंस है जिसे खेलकर आप अपने डिसीजंस और सर्वाइवल स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर पे गेम आता है वो है रेनबो सिक्स वेगस 2। ये एक टैक्टिकल शूटर गेम है। इस गेम में आपको एक एलाइट कमांडो की भूमिका निभानी होगी जिसका मिशन है धमाकेदार टेररिस्ट अटैक्स को रोकना। गेम का गेम प्ले टैक्टिकल है और आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इस गेम में आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के वेपन्स और एडवांस टैक्टिकल गियर। हर मिशन में आपको चूज करना होगा कि कौन सा वेपन आपकी स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट है। गेम आपको लास वेगास के कुछ आइकॉनिक लोकेशंस पर ले जाएगा जहां आपको हाई इंटेंसिटी गन फाइट्स और कोवर्ट ऑपरेशंस का सामना करना होगा। गेम की ग्राफिक्स और साउंड क्वालिटी का लेवल भी एकदम नेक्स्ट लेवल है जो आपको गेम में पूरी तरह से इमर्स करेगा। ओवरऑल रेनबो सिक्स वेगास 2 एक एक्शन पैक्ड और चैलेंजिंग गेम है जिसे खेलकर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है इंटेंस एक्शन और स्ट्रेटजी तो ये गेम आपके लिए परफेक्ट है, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम आता है वो है
इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस ये एक फाइटिंग गेम है जिसमें आप आइकॉनिक डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज और विलन्स के रूप में खेलेंगे। आपको मिलेंगे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन एंड और भी कई सारे सुपर हीरोज जो एक एपिक बैटल में क्लैश करेंगे। गेम का मेजर फोकस है सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन शोडाउंस पर। आपको मिलेंगे एपिक बैटल्स जिसमें आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के पावर्स और एबिलिटीज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। गेम की स्टोरी लाइन भी काफी ग्रिपिंग है जिसमें अल्टरनेट यूनिवर्स में सुपर हीरो और विलन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स अनफोल्ड होते हैं और आपको मिलेंगे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, इंटेंस मोमेंट्स और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस। आपको मिलेंगे डाइवर्स कैरेक्टर्स, हर एक का अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल होता है। हर कैरेक्टर के स्पेशल मूव्स और सुपर मूव्स आपको एक सिनेमैटिक फाइटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। गेम के विजुअल्स काफी डिटेल्ड हैं और सुपर हीरो कॉमिक बुक स्टाइल में है। कैरेक्टर डिजाइंस, स्पेशल इफेक्ट्स और एरिना डिटेलिंग गेम को विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस एक ऐसा गेम है जो डीसी कॉमिक्स के फैंस के लिए एक मस्ट ट्राई गेम है जिसमें आपको आइकॉनिक कैरेक्टर, सिनेमैटिक बैटल्स और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। तो इस गेम को आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। सो गाइस, ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप 10 गेम्स फॉर लो स्पेक्स पीसी। तो ये गेम्स यार आप लोगों को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स पहले खेल रखे हैं एंड कौन सा गेम जाके ट्राई मारने वाले हो वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।